हेलो एवरीवन, आप सबको बहुत ही प्यारा वेलकम है। आज हम लोग आ गए अपने लास्ट पार्ट ऑफ कॉलेज पोर्टल में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, इसमें हम लोग देखने वाले हैं स्टूडेंट के बारे में देखने वाले हैं कि न्यू स्टूडेंट कैसे बनाए और ऑल स्टूडेंट कैसे बनाए, ऑल स्टूडेंट और न्यू स्टूडेंट का वेब पेज हम कैसे बनाए। ठीक है, इससे पहले हम लोग ने डिपार्टमेंट, जॉब और SPNIT तीनों देख लिया, मीन्स इंडेक्स तीनों देख लिया। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप स्टूडेंट के लिए आए हैं स्पेसिफिक तो ये भी अच्छा है आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इसमें स्टूडेंट में, एक न्यू स्टूडेंट है और ऑल स्टूडेंट है। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे। मैं पहले ही बता दूं कैसे होने वाला, मैं पहले आपको दे देता हूँ एम कि स्टूडेंट में, जैसे अगर हम जाएं ऑल स्टूडेंट में, ठीक है, मैं आपको ब्रीफ दे देता हूँ। ऑल स्टूडेंट में अगर आप जाओगे तब आपके ऐसे आने वाले हैं, ठीक है, फॉर्म जैसे आने वाले हैं। ठीक है, जो भी हमारे स्टूडेंट इधर हैं जिनका अच्छा नाम है तो आ जाएंगे वो, जो भी कॉलेज में स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, उनके अगर प्रोफाइल में जाओगे, प्रोफाइल में ये देखो सेम आया ऐसा ही। ठीक है, अब आप इसको रिलेट कर पा रहे होगे जॉब से, क्योंकि जॉब भी वैसा ही है। आप जॉब पे जाओ तो ये देखो जॉब में आ गया, और जॉब पे आप क्लिक करो तब ये आ गया। ठीक है, इसका क्या मतलब होगा कि जॉब और ऑल स्टूडेंट के कोड बिल्कुल सेम है, बस चेंज किया है अंदर की डेटा। तो मुझे लग रहा होगा कि मैं तो एडवाइस करूंगा कि आप ऑल स्टूडेंट तो खुद से ही बना लें। ठीक है, क्योंकि मैंने जॉब आपको सिखा के रखा हुआ है कैसे बनाते हैं, ऑल स्टूडेंट आप खुद से बना लें। ठीक है, तो भी फॉर द कन्वीनियंस ऑफ शेक तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि आप कैसे बना सकते हैं। ठीक है, कॉपी पेस्ट ही है। ठीक है, तो भी एक बार एक दो दिखा देता हूँ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आपको इधर से पता चल ही गया होगा हर चीज तो सेम है, जॉब और स्टूडेंट में, ऑल स्टूडेंट में हर चीज सेम है। डिफरेंस कहाँ है, न्यू स्टूडेंट में। और आप काफी क्यूरियस होंगे न्यू स्टूडेंट के लिए ही, क्योंकि न्यू स्टूडेंट की कोड बहुत डिफरेंस है। ठीक है, मतलब काफी डिफरेंस है हम लोग जो भी कर रहे थे। ठीक है, तो जिसको क्या बोलते हैं, जिसको न्यू स्टूडेंट देखना है वो स्किप करते हैं, ठीक है, इस पार्ट को, और जिसको ऑल स्टूडेंट एक बार देख ही लेना है तो आप देख लो कैसे करते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो ऑल स्टूडेंट के लिए आप क्या करोगे, ठीक है, हमारा जैसे ये है, हमारे ऑल स्टूडेंट बनाना है। ठीक है, हमारा लक्ष्य ऑल स्टूडेंट का। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले हमारा आउटर पेज तो ऐसा ही होना चाहिए, हाँ जी, फिर हमें ये भी नेविगेशन लिंक ये सब चाहिए ही। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले एक फाइल बना दिया, फाइल का नाम मैंने डाला ऑल स्टूडेंट। ठीक है, ऑल स्टूडेंट फाइल डाल दी, उसके अंदर मैंने पहले से ही वो कॉपी पेस्ट कर दिया, इंडेक्स पेज में जो ये नेविगेशन तक कोड्स हैं उस सारे मैंने पहले से ही कॉपी कर दिए हैं। ठीक है, तो अब आगे देखिए कैसे करना है। ठीक है, मैंने पहले से ही कर दिए, अब आगे हमें क्या करना है, ये बस बॉक्स बनाने हैं। ठीक है, ये बॉक्स, और ये सारे बॉक्स मैंने जॉब्स के लिए भी बना के रखे हैं, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, कॉपी पेस्ट करूंगा जॉब से। तो जॉब पे मैं गया, ठीक है, तो जॉब के पास जब मैं जाऊंगा तब मैं कॉपी पेस्ट करूंगा। ठीक है, जॉब का पार्ट पूरा, एक मिनट, ये नहीं, जॉब में जाऊंगा और ये रहा, ये जो मेन वाला पार्ट है वो मैं पूरा कॉपी कर लूंगा अच्छे से। मैं कॉपी किया और कुछ नहीं, बिल्कुल इजी सरलता से घर में पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब आप देखिए जब मैंने इसे पेस्ट कर दिया अब क्या होगा। ठीक है, और मैं हेडिंग चेंज कर दूंगा, मैंने हेडिंग भी चेंज करके ही रखा हुआ है। ठीक है, टाइटल जो भी हमारा हेडिंग है, ऑल स्टूडेंट पोर्टल मैंने डाल दिया। अब मुझे एक बॉक्स बनाना है। ठीक है, बॉक्स का मैं इमेज सोर्स देखूंगा, इस बार मैं बॉक्स में हमारे स्टूडेंट कौन रहने वाले हैं, स्पेशल लैरी पेज। ठीक है, तो वो आप सब जानते होंगे उन्हें, ठीक है, मतलब ऐसे जानते होंगे, तो मैं पहले उनका इमेज सोर्स ले लूं। सबसे पहले इसको मैं हटा दूं, जो हमारे पिछले जैम बेजेस थे, एक ऐसे ही मैं ले रहा हूँ थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, लैरी पेज के लिए मैं जाऊंगा, एक मिनट, ये नहीं, कहाँ है मेरा वो फोटो, कहाँ कहाँ कहाँ, इधर है, मैंने डाउनलोड में डाले डाले हुए हैं। ठीक है, मैं उधर जाऊंगा, फोटो, लैरी पेज का फोटो मैंने इधर डाल रखा है, मैं कुछ नहीं करूंगा, इधर से उसका URL लूंगा। आप सबको पता ही होगा लैरी पेज गूगल के क्या है, ओनर है। ठीक है, वैसे दो ओनर है बट लैरी पेज मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने डाल दिया इधर। ठीक है, उनका फोटो डाल दिया मैंने, और उसके बाद लिंक में क्या डाल दूंगा, लिंक पे हमारी आएगी, हम जो टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो हमने फोटो तो डाल दी, अब जरा इसका लुक देखें, हमारी अभी तक की वेबसाइट का, वेब पेज का, सॉरी। ठीक है, तो देखिए उनकी फोटो तो आ गई, अब नए नेम मैं चेंज कर दूँ, जरा नेम चेंज कर देता हूँ,
लैरी पेज डाल दिया मैंने, ठीक है। और इधर ये देखिए चेंज हो गया, और जल्दी से देखते हैं, ठीक है। जॉब एप्लीकेशन के बदले मैं क्या डाल दूंगा, प्रोफाइल, स्टूडेंट की क्या होती है प्रोफाइल, मैंने सेव किया। ये देखिए प्रोफाइल भी आ गया बहुत ही सुंदर तरीके से, अच्छा लगा। अब हमें क्या, ये प्रोफाइल क्लिक करें तो आ नहीं रहा है, एक मिनट, ये जेब बेजेस का प्रोफाइल आ गया, ठीक है। उसका लिंक अभी तक मैंने वो डाल के रखा है इसलिए दिखा रहा है, ठीक है। तो हमें कैसे चाहिए, जैसे हमारा एम है कि प्रोफाइल में जाए ऐसा कुछ आ जाए, ठीक है। तो उधर इसको भी मैं बिल्कुल टेबल ही बनाना है, तो हमने बायोडाटा में ऐसा बना के रखा ही है, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, उसको भी कॉपी पेस्ट करूंगा, ठीक है। उसके लिए भी मैंने एक बना के रखा है, इन्फॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट पोर्टल नाम का एक चीज बना के रखा है, सॉरी HTML बना के रखा है, ठीक है। तो मैं कुछ नहीं करूंगा जो, क्योंकि मुझे बस डेटा चेंज करना है, ठीक है। जैसे मैंने बायोडेटा का बना के रखा था, इसको मैंने किया इधर कॉपी पेस्ट, ठीक है, बहुत ही आसानी से हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, इधर बायोडेटा के बदले मैं क्या डाल दूंगा, टाइटल में इंफॉर्मेशन डाल दूंगा, ठीक है। और ये सब तो हमारे सेम ही रहेंगे, ठीक है, और बिल्कुल ये सब सेम ही रहेंगे। और जॉब एप्लीकेशन पोर्टल के बदले मैं ये डाल दूंगा, क्या बोलते हैं, स्टूडेंट प्रोफाइल लिख दूंगा मैं, ठीक है, अपने हेडिंग में स्टूडेंट प्रोफाइल मैंने लिख दिया, ठीक है। और उनकी मैं फोटो डाल दूंगा इधर, जो फोटो है वो मुझे नहीं चाहिए, उनका एक और इमेज डालूंगा ना मैं मिडल में, तो मैं डाल देता हूँ उनका, मैंने एक और फोटो मैंने रखा है, ठीक है, उसका URL मैं डाल दूंगा, ठीक है। और मैंने इधर पेस्ट किया, ठीक है। और जरा मैं इसे एक बार चलाऊं तो, ठीक है, और इधर तक मैंने इतना काम किया, ठीक है। और आप नेम उनका चेंज करते कर दीजिए, ये सब आप कर सकते हो, ठीक है। तो भी जिनको नहीं अभी तक आइडिया है उसके लिए मैं बता रहा हूँ, डायरी पेज डाल दिया मैंने, एड्रेस वही लिख देता हूँ, और ये लिख देता हूँ क्या बोलते हैं, ब्रांच लिख देता हूँ कॉलेज का, ब्रांच लिख देता हूँ इधर कंप्यूटर साइंस, ठीक है। इतना ही अभी डेटा लगता है, आप अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। और अब मैं हम चलता हूँ इसके वेब पेज की तरफ। ये रहा हमारा तैयार हो गया वेब पेज, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, इसका URL लूंगा, कॉपी करूंगा, और कहाँ पेस्ट कर दूंगा, ऑल स्टूडेंट पे पेस्ट कर दूंगा मैं। ये देखिए हो गया, इधर जो है हमने जो लिंक इधर बना के रखा है प्रोफाइल का, उसके बदला मैं ये डाल दूंगा, ठीक है। एक मिनट, ये रहा कहाँ गया, ये रहा पेस्ट, हमारा वर्क कर जाएगा ये। ये देखिए अब मैं इस पे क्लिक करूं तो देखिए ऑटोमेटिकली इस पेज में मैं आ रहा हूँ, ठीक है। मतलब हमारा ऑल स्टूडेंट का पोर्टल बन गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ऐसे ही जैसे मैंने लैरी पेज का बनाया, आपको धीरे धीरे आपको जो जो चाहिए उनका आप बना लीजिएगा, जो जो आपको स्टूडेंट चाहिए, मिनिमम चार रखो ना, ज्यादा क्यों रखना है, चार ऐसे बना लेना, आप कॉपी पेस्ट ही तो है, ठीक है। और आप लोग क्या करना कि लास्ट में मेन जो है मेन में ग्रिड डाल देना डिस्प्ले, जैसे आपको ग्रिड डिस्प्ले आ जाए, नहीं तो आपको स्ट्रेट चाहिए वर्टिकल चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये देखिए हमारा ऑल स्टूडेंट इसी के साथ इधर खत्म होता है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं न्यू स्टूडेंट के ऊपर, और एक मिनट ना, पहले मैं ऑल स्टूडेंट का लिंक जरा डाल देता हूँ, मैं सब में डाल देता हूँ, ठीक है। एक मिनट, आ गया ये हमारा ऑल स्टूडेंट, ठीक है, जो हमारा नेविगेशन लिंक है उसमें मैं डाल देता हूँ, ये रहा ऑल स्टूडेंट है, इधर मैंने डाल दिया, और ऐसे ही मैं सब डाल दूंगा, ठीक है। वो तो आप लोग कर ही लेना, आपको समझ आएगा। अब हम न्यू स्टूडेंट के ऊपर चलते हैं। हमारा जो न्यू स्टूडेंट है, पहले मैं बता देता हूँ, का एम दिखा देता हूँ, हमें करना क्या है, ठीक है। मैं अपने जाता हूँ इधर। अब हमारा न्यू स्टूडेंट कैसा होना चाहिए, जब हम स्टूडेंट पे जाए और हम जब न्यू स्टूडेंट क्लिक करें, उसके बाद हमारा एक टेबल खुलना चाहिए जिसमें जो भी नया स्टूडेंट है अपना डेटा एंटर करेगा, और इधर डिस्प्ले हो जाना चाहिए। जैसे मैं डाल देता हूँ शिवम मिश्रा, ईमेल मेरा, ठीक है, और एज मेरी 18, और मैं जब सबमिट करूँ तब ऐसा डिस्प्ले हो जाना चाहिए, ठीक है, ऐसा हमें डिस्प्ले हो जाना चाहिए, ठीक है।
और मान लो दूसरा नाम डालना है, जैसे मैं डाल दूं राम, ठीक है, और डाल दूं शर्मा, ठीक है, डाल दिया शर्मा, और ईमेल एड्रेस राम डॉट, चलो ऐसा ही कुछ, जीमेल क्या कर रहा हूँ मैं, डाल देता हूँ मैं राम शर्मा एट द रेट जीमेल डॉट कॉम, कुछ भी डाल देता हूँ, और एज 19, और सबमिट जब, सॉरी 19, ठीक है, जब मैं सबमिट करूँ तब राम शर्मा आ जाना चाहिए, जैसे जैसे मैं डेटा एंटर करूँ वो आने चाहिए। यही है हमारा एम न्यू स्टूडेंट का। तो ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा टास्क कि आप एक बार सेल्फ ट्राई कीजिए, 1-2 घंटा लगे चलेगा, पॉज कर दीजिए और एक बार सेल्फ ट्राई कीजिए, अगर जब नहीं आता तब इधर आइएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने न्यू न्यू स्टूडेंट जो हमें अभी बनाना है HTML पेज, वेब पेज, उसके लिए मैंने ये करके रखा, क्या बोलते हैं हमारा, मैंने लिख के रखा है पहले से ही कोड्स, जो बेसिक कोड्स हैं। कौन से कोड्स हैं ये, मीन्स जैसे ये जो है नेविगेशन बार वाले, पहले से ही मैंने कॉपी पेस्ट करके रख ही दिया है जिससे आपका समय वेस्ट ना हो। तो ये देखिए, ये देखिए मैंने इतना कर दिया है। अब हमारा एम क्या है, ठीक है, इसमें एम है हमें कि हमें एक न्यू स्टूडेंट पहले एक हेडिंग लिखना है। तो मैं आपको काफी स्टेप बाय स्टेप चलूंगा, ठीक है, और पहले ही बता दूं ये सब जो चीज है इसमें हमें जावास्क्रिप्ट यूज होगी। यही था आज का सीक्रेट, ठीक है, इस न्यू स्टूडेंट पोर्टल में इसमें जावास्क्रिप्ट यूज हमें करना ही पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। HTML CSS से आपने 95% कवर कर लिया, अब ये 5% जो है इसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। और मैं पहले ही बता दूं, आप भागना मत, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के नाम से आप बेसिक बिगनर हो, इसीलिए आप लोग पेशेंस रखिए। मैं जो आपको जैसे जिस, अगर आपको जीरो भी आता रहेगा ना जावास्क्रिप्ट, तभी भी आपको ये देख आइडिया हो जाएगा और आप समझ आ जाएगा भैया करना क्या है, ठीक है, आपको समझ आ जाएगा। तो भागने की जरूरत नहीं, बहुत ही बेसिक सा जावास्क्रिप्ट का कोड लगेगा, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाने की जरूरत है, बहुत छोटा सा लगेगा, आप एडॉप्ट कर लोगे मुझे उम्मीद है। और मैं इसीलिए इसको बहुत बारी बारी बताऊंगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलूंगा जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। तो देखते हैं, आप चालू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने ये कॉलेज पोर्टल खोल दिया, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है, न्यू स्टूडेंट बोल रहा है, ठीक है, न्यू स्टूडेंट पोर्टल, पहले हमें ये हेडिंग लिखना है, ठीक है, हमें कहाँ लिखना है, सेंटर पे लिखना है। मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लाइव कोड करके दिखाऊंगा, लाइव कोड बहुत अच्छा चीज होता है, ठीक है। सेंटर, सेंटर में हमें चाहिए क्या चाहिए, हमें हेडिंग चाहिए, ठीक है, हेडिंग क्या चाहिए हमारा, न्यू न्यू स्टूडेंट डाल दिया मैंने, न्यू स्टूडेंट, चल ठीक है, हमारा हेडिंग आ गया, देख लेते हैं एक बार, बारी बारी से देख के समझूंगा, आपको अच्छा लगेगा। ये देखिए हमारा न्यू स्टूडेंट पोर्टल आ गया, ठीक है, बढ़िया। आगे हमें क्या करना है, हमें एक टेबल बनाना है। टेबल के लिए आप सब जानते हैं हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टेबल टैग यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सेंटर के अंदर ही लिखूंगा मैं, सबसे पहले थोड़ा स्पेस दे दूं मैं जरा, ठीक है, स्पेस मैंने दे दिया, दो स्पेस दे देते हैं, एस स्पेस दे दिया। अब मुझे टेबल बनाना है, सबसे पहले ये टेबल बनाना पड़ेगा, तो टेबल टैग मैं यूज करूंगा, सॉरी, टेबल टैग मैंने यूज किया। अब टेबल के अंदर क्या है, हमें एक रो बनाना पड़ेगा, तो मैं टेबल रो यूज करूंगा, ठीक है। टेबल रो के अंदर क्या चाहिए मुझे, सबसे पहले एक टेबल रो के अंदर मुझे फर्स्ट नेम चाहिए, तो मैं हेड यूज करूंगा, टेबल हेड, आप टेबल डेटा भी यूज कर सकते हो। हेड में क्या होगा, थोड़ा हेडिंग जैसा फॉर्म में आ जाएगा, हेडर फॉर्म में आएगा, तो हेडिंग में क्या होना चाहिए, फर्स्ट, सॉरी सॉरी सॉरी, फर्स्ट नेम, ठीक है, हेडिंग में मेरा फर्स्ट नेम आ गया। अब इधर फर्स्ट नेम के बाद क्या है, इधर मैं इनपुट करूंगा ना, तो आपको इनपुट तो आता ही होगा, मैं इनपुट टैग यूज करूंगा, ठीक है। और इनपुट टैग में कहाँ यूज करूंगा, टेबल डेटा में, टेबल डेटा में मैं इनपुट टैग यूज करूंगा, ठीक है, इनपुट टैग, एक मिनट, हाँ सही है, इनपुट टैग। और ये टाइप कौन सा होना चाहिए बताइए, बताइए टाइप कौन सा होना चाहिए, ये टाइप होना चाहिए हमारा टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट टाइप का हमारा होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा इसमें आप क्या डाल सकते हो, क्या डाल सकते हो, आईडी डाल सकते हो, ठीक
आईडी डाल दो आप, एफ नेम डाल दो, आईडी डाल दी। अब आप आईडी के बाद क्या कर सकते हो, नेम डाल सकते हो, ठीक है, नेम भी आप वही डाल दो, एफ नेम ही कर दो, ठीक है, और कुछ बाकी तो नहीं रह गया ना, कुछ नहीं रह गया, ठीक है। हमारा इनपुट टैग इसी के साथ इधर क्लोज होता है, ठीक है, हमारा इनपुट टैग इसी के साथ इधर क्लोज होता है। तो हमारा ये पहला बन गया रो का, हमारे रो का पहला बन गया। और इधर मैं भूल गया, टेबल में मैं बॉर्डर जरा लिख दू, ऑर्डर हमारा होना चाहिए 4, 4 ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो हमारा ये तो बन गया, ठीक है, आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये देखिए बड़ी सुंदर तरीके से बन गया, हम कलर कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे ही मैं कॉपी पेस्ट करूंगा, लास्ट नेम, ईमेल, एज, सबके लिए, ठीक है। तो मैं कॉपी करता हूँ, बिल्कुल ब्यूटीफुली हम लोग करेंगे, धीरे धीरे करेंगे कि आपको समझ आ जाए। हमारा एम यही है कि दोस्तों आप लोग को समझ आ जाए, ठीक है, हमें कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। और हमने 4 बना दिया, ठीक है, उसके बाद इधर तक हमारा काम हुआ। इधर फर्स्ट नेम के बदले मैं क्या चेंज कर दूंगा, लास्ट नेम डाल दूंगा, लास्ट नेम डाल दूंगा, टाइप मैं टेक्स्ट ही रहने दूंगा, ठीक है। इधर मैं एल डाल दूंगा, बदले मैं क्या डाल दूंगा, एल डाल दूंगा, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, टाइप फर्स्ट नेम, नेम हो गया, इधर ईमेल डाल दूंगा, ईमेल, ईमेल मैंने डाल दिया। अब ईमेल में मैं क्या डाल दूंगा, लिखता हूँ, ईमेल डाल दिया मैंने, ईमेल टाइप का होना चाहिए, ठीक है, इनपुट हमारा। और आईडी में मैं क्या डालूंगा, ईमेल, ठीक है। और इसमें मैं क्या डालूंगा, नेम, ईमेल, ठीक है, हमारा ये हो गया, ईमेल तक हो गया। फिर एज में मैं जाऊंगा, ठीक है, एज में मैं जाऊंगा, ठीक है, एज में मैं जब जाऊंगा तब इसमें मैं लिख दूंगा एज, ठीक है। टाइप इसमें मैं टेक्स्ट ही रहने दूंगा, स्ट्रिंग में रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता इतना ज्यादा, ठीक है। और आईडी में मैं डाल दूंगा हमारा एज, सॉरी कैपिटल में आ गया, ठीक है, ठीक है, मैंने एज डाल दिया इधर। अब अगला मुझे क्या काम करना है, मेरा इधर तक तैयार हो गया, एक बार मैं देख लूँ, सेव करूँ, और हमारा ये टेबल तैयार है। सबमिट बटन बाकी है, सॉरी मैंने फर्स्ट नेम, अच्छा हाँ वो तो डाला ही नहीं अभी तक। सबमिट बटन के लिए मैं क्या करूंगा, सबमिट तो मुझे पूरा चाहिए ना, मैं क्या करूंगा, ये भी हमारा टेबल रो का ही पार्ट है, इसके लिए मैं स्पेशली एक इनपुट डाल दिया मैंने, टाइप कौन सा मुझे होना मिलना चाहिए, बटन, ठीक है। और इसमें आईडी में कौन सा यूज करूंगा, बटन, ठीक है, आईडी में बटन ही यूज करूंगा, ठीक है। नेम और वैल्यू क्या होनी चाहिए इसकी, वैल्यू हमें मिलनी चाहिए सबमिट, ये देखिए इधर तक तैयार हो गया पूरा, सबमिट, ठीक है। और मैं बंद कर दूंगा, और टेबल रो में मैं लिखूंगा, इसमें भी एक आईडी डालूंगा, अगर मुझे कुछ चेंज करना है तो आईडी में मैं डालूंगा बटन ही डाल देता हूँ, ठीक है, ठीक है, इधर वाली आईडी को हटा देता हूँ और यही डाल देता हूँ, ठीक है। देखते हैं अब एक बार देखूँ तो जरा, मैं इधर देखिए, हाँ आ गया है, ठीक है, सब आ गया। ये गंदा लग रहा है ना थोड़ा, अरे सॉरी हाँ, मैं टीडी में मुझे जरूरत नहीं है, मुझे सेल में थोड़ा ना बनाना है, ये चलेगा, मुझे पूरा चाहिए, पूरा स्पेस कवर होना चाहिए, मेरा पूरा स्पेस कवर होना चाहिए। तो मैं आपको बताना भूल गया कि आपको जब इधर आप देख रहे हो, इधर आपको पूरा सबमिट का स्पेस कवर है, तो मुझे वैसा मिलना चाहिए। इसके लिए मैं कुछ चेंज करूंगा, एक मिनट ना, पहले जरा सेव कर दूं, सबमिट ऊपर आ रहा है पर मुझे नीचे मिलना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या काम करूंगा इसमें, एक चीज होता है, एक मिनट, मुझे टेबल डेटा डालना ही पड़ेगा, सॉरी थोड़ा कंफ्यूजन आ जाता है, ठीक है, समझ ही सकते हो यार, इतना करते करते बहुत बड़ा है ये, ठीक है। एचटीएमएल जो है हमारा, एचटीएमएल जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड, बड़ा
पड़ा है, कभी कभी कंफ्यूजन आ ही जाता है, टीटी में मुझे जाना पड़ेगा। और में एक वो होता है काफी एक पॉपुलर कोल स्पैन होता है, ठीक है, उससे आपका एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है, तो आपको दिख रहा है ना वैसा। एक बार मैं देखूँ तो जरा करके, हाँ अब ये पूरा आया। कोल स्पैन से क्या हुआ, जब आपको जो टेबल डेटा इधर इधर दिख रहा था ना, अब वो पूरा स्पैन कर गया। अभी जो सबमिट बटन है, मुझे इसको भी पूरा स्पैन करना है, एक्सपैंड करना है, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, उसका विथ बढ़ाना है। तो विथ के लिए मैं सीएसएस के पास जाऊंगा, बोलूंगा सीएसएस भैया मेरी मदद कीजिए, इसलिए मैंने पहले से इंडेक्स दे के रखा हुआ है, सॉरी इंडेक्स नहीं, आईडी दे के रखा हुआ है। तो मैं सीएसएस भैया के पास जाऊंगा, ठीक है, और कहाँ है वो, मेरा आईडी क्या है, पहले मुझे मेंशन करना पड़ेगा कि टीआर में है, ठीक है, बटन नाम का मेरा आईडी है ना, तो मैं बटन के पास जाऊंगा। तो मैंने ये इतना काम तो कर दिया, मैं स्टाइल के पास जाऊंगा, ठीक है, स्टाइल हमारे स्टाइल शीट के पास, और बोलूंगा कि ये क्या बोलते हैं, मैं अपना आईडी डालूंगा बटन, ठीक है। अब देखो बटन के अंदर भी, ठीक है, टेबल के अंदर तो हम घुस गए, ये आईडी बटन के अंदर भी हमें डालना पड़ेगा कि टीडी, टेबल डेटा के अंदर इनपुट के अंदर हमें जो चेंज करना है, ठीक है, सबमिट का वेट बढ़ाना है ना, तो इनपुट के अंदर हमें डालना पड़ेगा। तो जैसे मैं बटन डाल दूंगा, फिर टीडी है हमारा, और उसके बाद हमारा है इनपुट, इनपुट के अंदर विथ बढ़ाना है ना, तो सबका बढ़ा देगा, ठीक है, तो इनपुट के अंदर मैं विथ डालूंगा, ठीक है, विथ कितना चाहिए मुझे, 100%, जैसे ही मैं डालूंगा और सेव करूंगा, ये देखिए आ गया, बिल्कुल सेम डिट्टो जो आपको इधर दिख रहा है वो इधर भी आ गया, ठीक है, बिल्कुल सेम, नो डिफरेंस। और थोड़ा बहुत और चेंज कर दूं, और टेबल टेबल भी बराबर अच्छा कर दूं, मैं थोड़ा बैकग्राउंड कलर डाल दूं, ठीक है, अपने टेबल में, सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, टेबल में थोड़ा सीएसएस में डाल दूं, टेबल में मैं क्या डाल सकता हूँ, इसे बैकग्राउंड डाल सकता हूँ, इसे बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड में डाल दूंगा, कौन सा कलर डालूं बताओ बताओ, रेड डाल देते हैं, नहीं ग्रीन डाल देते, ग्रीन भी अच्छा लगता है मुझे, ठीक है, तो मैं ग्रीन डाल दूंगा, इसको सेव कर दूंगा। तो ये देखिए काफी अच्छा लुक लग रहा है, ठीक है, वैसे लुक से तो हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो काम करना चाहिए हमारा कोड, ठीक है, सीएसएस तो हो ही जाएगा, हर जगह से मिल ही जाता है सीएसएस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो इधर तक तो काम कंप्लीट हुआ हमारा, इधर देखिए इधर तक हमारा काम कंप्लीट। अब हमें ऐसा भी आना चाहिए, एक और टेबल जो ऐड होता रहा है, तो उसके लिए मुझे पहले तो ये बनाना पड़ेगा, ये रो बनाना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं वापस एक और टेबल बनाऊंगा, ठीक है, अब मेरा काम एक और बढ़ गया, मैं एक और टेबल बनाऊंगा, ठीक है, मैं टेबल बनाऊंगा, तो टेबल में मैं पहले क्या करूंगा, टेबल एक ही मुझे रो चाहिए, तो टेबल रो मैं डाल दूंगा, ठीक है, और उसमें भी मुझे सारे टेबल हेडर ही फॉर्म में चाहिए, तो मैं डाल देता हूँ, सबसे पहले मेरा फर्स्ट नेम आना चाहिए, ठीक है, फर्स्ट नेम मैंने डाल दिया, और ऐसे ही मुझे कितने चाहिए, चार चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक रूम में मुझे चार सेल डालने हैं इस बार, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, ठीक है, और इधर मैं क्या डालूंगा, इधर मैं डालूंगा एज, ठीक है, और मैं बंद कर दूंगा, और मैं भी देखते हैं कैसा आता है लुक, देखूं तो सेव मैंने कर दिया है, अब देखिए बहुत अच्छे से आ गया है, थोड़ा आपको गंदा लग रहा होगा, इसका रीजन है स्पेस नहीं छोड़ा मैंने, तो मैं स्पेस छोड़ दूंगा, ठीक है, मैंने स्पेस छोड़ा, फिर देखिए, हाँ, और टेबल में मैंने बॉर्डर नहीं डाला अभी तक, बॉर्डर मुझे कितना चाहिए, 4 डाल देता हूँ, अच्छा लगेगा, बढ़िया, बहुत अच्छे से अब बन गए हैं, ठीक है, अब देखिए हमारा जो बेसिक बैकग्राउंड है वो तो बढ़िया तरीके से तैयार हो गया, ठीक है, अब हमें क्या, अब देखो मैं इधर डालू नाम अपना, जैसे शिवम मिश्रा, ये याद कर लेता है, ठीक है, अब मैं डालू अपना एज 18, अब मैं कर रहा हूँ सबमिट नहीं हो रहा, ऐड नहीं हो रहा, ऐड नहीं हो रहा, अब क्या, देखो ये सब जो चीजें हैं ना वो डायनेमिक चीज है, वेब वेब पेज की एक डायनेमिक प्रॉपर्टी है, एच टी एम एल और सी एस एस सिर्फ स्टैटिक पे वर्क करता है, डायनेमिक मतलब क्या,
ये जो चेंज हो रहा है, ठीक है, हम वेबसाइट में कुछ चेंज कर सकें, ठीक है, कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ डिलीट कर सकें, तो वो हम जावास्क्रिप्ट के मदद से ही करेंगे, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं इसकी जावास्क्रिप्ट की कोडिंग। ठीक है, जावास्क्रिप्ट बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, ठीक है, और जावा का जावास्क्रिप्ट का जावा से कोई लिंक नहीं है, ठीक है। वो तो कुछ हुआ था कि पहले शायद जावा निकली थी, उसको पॉपुलर काफी पॉपुलैरिटी उसने गेन कर लिया था, उसके लिए जावास्क्रिप्ट ने अपना निकाल दिया कि जावा जावा लोग सुनेंगे तो इसकी भी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो पर वैसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो हम देखते हैं जावास्क्रिप्ट की कोडिंग, ठीक है। हमें स्क्रिप्ट आपको मैं बहुत ही धीरे धीरे समझाऊंगा, इजी वे से समझाऊंगा, मेरे साथ कोड कीजिए आप, ठीक है, तब आपको पता चल जाएगा कि कैसे इजी कर सकते हैं। और मैं मोस्ट इजीएस्ट वे से बताऊंगा, यूट्यूब में मे बी और भी वीडियो अपलोड होंगे कि कैसे कोड करना है, पर मैं इस जो ये जो है टेबल का सबसे इजीएस्ट वे में बताऊंगा फॉर बिगनर्स, ठीक है। आप जैसे जैसे ग्रो करोगे आप खुद फाइंड करोगे कि इससे बढ़िया टेक्निक भी है कम टाइम कंज्यूम करने वाली। तो देखते हैं कैसे करना है हमें जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट के लिए क्या करना पड़ता है हमें, जैसे स्टाइल जैसे सॉरी जैसे बॉडी लिखना पड़ता है, बॉडी लिख बॉडी के अंदर हम ये सब काम करते हैं ना, तो हम जावास्क्रिप्ट भी स्क्रिप्ट के अंदर ये सब काम करते हैं। स्क्रिप्ट मैं लिख देता हूँ, ठीक है, तो मैंने स्क्रिप्ट लिख दिया, ठीक है। अब स्क्रिप्ट के अंदर मुझे कोड करना है, तो मैं बारी बारी बताऊंगा एल्गोरिथम जैसे स्टेप बाय स्टेप। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक लिस्ट चाहिए। लिस्ट क्यों चाहिए हमें, जैसे फर्स्ट नेम आया इधर शिवम, मैंने मेरा नाम आया, फिर राम आएंगे, फिर श्याम आएंगे, बहुत लोग का नाम है फर्स्ट नेम में, ठीक है, देर आर मैनी नेम्स इन दिस फर्स्ट नेम कॉलम, फाइन। सो वॉट वी हैव टू डू, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी। उस लिस्ट में क्या सिर्फ नाम होंगे, फिर मुझे एक और लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी जिसमें लास्ट नेम होंगे, और मुझे एक और लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी जिसमें ईमेल होंगे, और फिर मुझे लास्ट लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी जिसमें उन लोगों के एज होंगे। इसका क्या मतलब है कि मुझे चार लिस्ट तैयार करने हैं, ठीक है, मुझे चार लिस्ट तैयार करने होंगे, ठीक है। तो देखो जावास्क्रिप्ट में जैसे आप लोग जावा या सी सब में हम आप इनिशियल लिखते थे इंटीजर, ठीक है, पर जावास्क्रिप्ट में क्या है, एक लैरी है जो सबके लिए एप्लीकेबल है, इंटीजर हो चाहे स्ट्रिंग हो, हर चीज के लिए एप्लीकेबल है, एक वेर, ठीक है, आप मान सकते हो, ठीक है, सबके लिए एप्लीकेबल है इनिशिएट करने के लिए, ठीक है। तो मुझे चार लिस्ट चाहिए, सबसे पहला मेरा काम क्या है, मुझे चार लिस्ट जमा करके दो इसमें इन सबके नाम हो, जो जो मैं नाम डालूं वो लिस्ट में जाते रहे। तो मैं लिस्ट डिक्लेयर कर देता हूँ, ठीक है, जो एरे एरे और लिस्ट में डिफरेंस है, ठीक है, पर अभी के लिए आपके लिए दोनों सेम ही जैसे हैं, ठीक है। तो लिस्ट को डिनोट कर सकते हैं, अभी हमारी लिस्ट खाली है, मैं ऐसे लिख दूंगा, ठीक है, लिस्ट, ठीक है, ये लिस्ट हुआ हमारा लिस्ट वन, ठीक है। और ऐसे ही मुझे कैसे कितने चाहिए लिस्ट, चार लिस्ट चाहिए, मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कैसे की चार लिस्ट चाहिए मुझे। एक मिनट, आ ये क्या हो रहा है, चार लिस्ट चाहिए, ठीक है, हमने चार लिस्ट तैयार कर चुके हैं, हम चार लिस्ट हमने तैयार कर लिए, ठीक है। और इससे पहले मैं जब सबमिट करूं तब आप खुद सोचिए जावास्क्रिप्ट क्यों यूज होगी, कि जब मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूं, जब मैं क्लिक करता हूं तब कुछ फंक्शन एग्जीक्यूट होनी चाहिए, ठीक है, तो उधर ही हमारा जावास्क्रिप्ट फंक्शन यूज होगा। जावास्क्रिप्ट कैसे यूज होगा, ये जो सबमिट बटन है ना इसी में सारी सीक्रेट है। सबमिट में क्या मुझे एक डालना पड़ेगा कि ऑन क्लिक, जब मैं क्लिक करूं एक फंक्शन होता है ये भी ऑन क्लिक, जैसे ये वैल्यू होते हैं ये सारे होते हैं, तो एक ऑन क्लिक में जब आप क्लिक करोगे सबमिट में तब कुछ फंक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो मैं फंक्शन का नाम डाल देता हूँ, मैं समय भी बताता हूँ, ठीक है, जैसे चलो डाल ही देता हूँ, अभी फंक्शन का नाम डाल देता हूँ मैं एड प्रो, ठीक है, फंक्शन का नाम एड डाल देता हूँ, ठीक है। एक ऐसा एड नाम का एक फंक्शन डिस्प्ले होना चाहिए, मीन्स एग्जीक्यूट होनी चाहिए जब जब मैं क्लिक करूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा काम, ठीक है। तो स्क्रिप्ट के अंदर मुझे वो फंक्शन ही बनाना पड़ेगा, हमें एक बस एक ही काम है हमें कि ऐड नाम का एक फंक्शन बना देना है बस। मैं जहाँ क्या बात कर रहा था कि मैंने चार लिस्ट तैयार कर चुके हैं, मैंने चार लिस्ट तैयार कर लिए, ठीक है, जहाँ मैं नाम हर चीज सबका पता रखूंगा, ठीक है। अब मुझे लिस्ट के बाद क्या काम करना है, मुझे जो क्लिक करेंगे जो फंक्शन हमें मुझे बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इधर हम कैसे फंक्शन बनाते हैं,
इधर जैसे आप लोग ने सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बना के रखा होगा, सी प्रोग्रामिंग हर चीज में फंक्शन बना के रखा होगा, इधर भी सेम ही टाइप का बनाता है। इसका सिंटैक्स देखो, फंक्शन लिखना पड़ता है ठीक है, और उसके बाद फंक्शन का नाम जो मैंने ऐड बना के रखा हुआ है, ठीक है मैंने ऐड बना के रखा हुआ है वो मैंने डाल दिया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये हमारा फंक्शन तैयार हो गया ठीक है, इसके अंदर हमें कोड लिखना है। तो मैंने लिस्ट तैयार कर लिया, फंक्शन बना दिया, फंक्शन के अंदर मुझे क्या क्या करना है ठीक है। सबसे पहली बात, फंक्शन के अंदर अंदर मुझे क्या करना है, मुझे क्या बोलते हैं, जो भी है हमारे लिस्ट ठीक है, अब वो जो ये सारे जो लिस्ट है वो कहाँ से डेटा लेंगे, कहाँ से डेटा लेंगे, वो तो इधर से डेटा लेंगे ना, क्या बोलते हैं, हम जो फिल करेंगे, हम जो फिल करेंगे हमारी जो आईडी होगी, फर्स्ट नेम की आईडी से वो लोग लेंगे, लास्ट नेम की आईडी से वो लोग लेंगे डेटा, ईमेल से लेंगे, एज से लेंगे, तो मुझे वो बताना पड़ेगा ठीक है, मुझे बताना पड़ेगा कि भैया तुम्हें चाहिए कहाँ से ठीक है। मुझे फर्स्ट नेम की आईडी से चाहिए, लास्ट नेम की आईडी से चाहिए, ईमेल से चाहिए, एज से चाहिए, तभी तो मैं लिस्ट के अंदर ऐड करूंगा ना। तो देखिए इसका एक तरीका ठीक है, जैसे मैं डालता हूँ लिस्ट ठीक है, हमारा लिस्ट वन के अंदर मैं एक्स डालूंगा, एक्स मुझे इंडेक्स लिखना पड़ेगा ना, लिस्ट के अंदर बहुत सारे आएंगे, शिवम राम श्याम सब आएंगे, पर एक बार में एक ही एग्जीक्यूट करना, तो एक्स नाम का एक वेरिएबल मुझे डिक्लेयर करना पड़ेगा ठीक है। तो इंडेक्स होगा एक्स इक्वल टू 0, 0 से चालू होता है, अरे आपको सबको पता ही है, 1 से भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। तो लिस्ट 1 के एक्स मतलब फर्स्ट इंडेक्स में मुझे कहाँ से चाहिए डेटा बताइए। डेटा के लिए हमें एक चीज यूज करते हैं हम, एक इंडेक्स ठीक है, डॉक्यूमेंट आईडी के लिए डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी ठीक है, इसका हम यूज करते हैं ठीक है। और इसमें मैं क्या डालूंगा, मेरी आईडी डाल दूंगा, फर्स्ट नेम की आईडी, फर्स्ट नेम की आईडी मैंने क्या डाला है, एफ नेम डाला है ठीक है, तो मैं एफ नेम लिख दूंगा ठीक है, नेम मैंने लिख दिया। और एफ नेम में क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए, आप सबको तो पता वैल्यू का क्या कितना यूज है वैल्यू का, तो मैं डालूंगा वो वैल्यू ही डालूंगा ना, तो डॉट वैल्यू ठीक है, बड़ी अच्छी तरीके से मैंने लिख दिया ठीक है। लिस्ट के अंदर मैंने पहला एलिमेंट घुसा दिया, अब मुझे ऐसे ही चारों एलिमेंट घुसाने पड़ेंगे ठीक है, आपको तो दिमाग एक में लगाना है, बाकी सब कॉपी पेस्ट है ठीक है। मैंने कॉपी किया और अब मैं पेस्ट करते रहूंगा, ये क्या हो गया, ठीक है तो मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, तो ये हमारा लिस्ट वन है ठीक है। और एक मिनट ना, मैं इधर चेंज करना भूल गया, ये हमारा लिस्ट टू, लिस्ट थ्री, लिस्ट फोर, लिस्ट टू ठीक है, लिस्ट थ्री और लिस्ट फोर ठीक है। तो एफ नेम लिखा, और वैसे ही इसका आईडी क्या होगा, लास्ट नेम, इसका क्या होगा, ईमेल ठीक है, और इसका क्या होगा, एज ठीक है। तो मैंने डेटा कलेक्ट कर लिया ठीक है, मैंने डेटा भी कलेक्ट कर लिया, अब मुझे उस डेटा को शो करना है ठीक है। मतलब जैसे इधर देखो, मैंने डेटा कलेक्ट जैसे किया, मैंने लिस्ट के अंदर लिस्ट वन में ये सारे डेटा गए, फर्स्ट नेम कहाँ गया, लिस्ट वन में ठीक है, आईडी से ही मैंने लिया ना वैल्यू मिश्रा, सब लिस्ट के अंदर गए ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, मैं जब सबमिट बटन में क्लिक करूंगा, तो एक ऐड रो होना चाहिए, मतलब मुझे एक रो ऐड करना है ठीक है। तब मुझे समझ आ गया अब मुझे क्या करना है, मुझे एक रो ऐड करना है ठीक है, मुझे मेरा भी मिशन समझ आ गया, मुझे एक रो ऐड करना है। तो रो ऐड करने के लिए ठीक है, मुझे बताना पड़ेगा पहले कि वो रो कहाँ मुझे ऐड करना है। अगर जब मैं अगर लिख दूं कि मुझे रो ऐड करना है, तो इस टेबल में भी कर सकता है, इस टेबल में भी कर सकता है, पर मुझे बताना पड़ेगा कि मुझे इसी टेबल में करना है ठीक है। तो इसके लिए भी मैं डाल देता हूँ वेरिएबल, डाल देता हूँ एड रो, एड रो ठीक है। एड रो में मैं क्या डालूंगा, कौन से रो में मुझे चाहिए ठीक है, कौन से टेबल में, मैं पहले टेबल डाल देता हूँ ठीक है, टेबल डाल दूंगा मैं इधर ठीक है। तो और पहले मुझे बताना पड़ेगा फिर टेबल कौन सा है, मैं डॉक्यूमेंट, तो उसके लिए टेबल बताना पड़ेगा, तो इस टेबल ये जो हमारा जो लास्ट वाला टेबल है उसमें मुझे एक आईडी डिक्लेयर करना पड़ेगा ठीक है, मुझे एक आईडी डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो मैं आईडी डाल देता हूँ, क्या डालू मैं, टैब, टैब नाम का आईडी डाल देता हूँ ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता इतना। तो
टैप नाम का मैंने आईडी डाल दिया, ठीक है। तो अब मुझे बताना पड़ेगा कहाँ से लेना है, मुझे टैब में ऐड करना है, ठीक है। तो मैं डाल देता हूँ डॉक्यूमेंट, एक मिनट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और मुझे कहाँ डालना है, टैब में डालना है, ठीक है। टैब नाम के आईडी में, टैब नाम के टेबल में मुझे डालना है, ठीक है। मतलब आईडी उसका मैंने डाल दिया, ठीक है। इसमें मुझे वैल्यू डालने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें मुझे वैल्यू डालने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आगे का काम करना है, मैंने बता दिया कि भाई तुम टैब नाम के टेबल में ऐड करना। अब मुझे रो तो ऐड करना पड़ेगा ना, मैं डाल देता हूँ वेर, एक और फंक्शन वेरिएबल मैं डिफाइन करता हूँ एड रो, और उसमें मैं डाल दूंगा कि टेबल, मैंने टेबल लिख के रखा है, टेबल डॉट किसी चीज को, उसका सिंटेक्स है इंसर्ट, इधर ही आ जाएगा आपका, नहीं आ रहा है अभी, इंसर्ट रो, ठीक है, टेबल डॉट इंसर्ट रो, रो कैपिटल होगा इधर, ठीक है, इंसर्ट रो, और उसमें मैं डाल देता हूँ, मैंने रो डाल दिया इधर, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये डाल दूंगा, ठीक है। तो रो में भी मुझे एक और वेरिएबल डालना पड़ेगा वेर एन नाम का, कि मुझे बताना पड़ेगा कि कौन सा रो है। तो पहले से मैं स्टार्ट करूंगा, मतलब एक लूप लूप घुमाऊंगा, टेंशन मत लेना। तो एन मैं डाल दूंगा एन, ठीक है। तो मैंने इधर डाल दिया, पहला रो होना चाहिए, इंसर्ट रो फर्स्ट, ठीक है, टेबल डॉट इंसर्ट रो फर्स्ट। तो मैंने एड रो भी डाल दिया, ठीक है। मतलब हमने क्या किया कि टेबल भी बता दिया कौन से टेबल में डालना है, और उसके में हम एड रो का वेरिएबल भी मैंने बना दिया, ठीक है, हमने रो बना दिया। अब रो के अंदर सेल होंगे, ठीक है। अब मुझे सेल भी डिफाइन करना पड़ेगा, भैया काम तो बहुत है इसमें, ठीक है, वो तो है, ठीक है। तो अब मैं बता जाऊंगा सेल वन में, रो के अंदर भी सेल होंगे, ठीक है, सेल वन में जाऊंगा, पहला सेल, पहला सेल मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, ठीक है, वेर सेल, सॉरी वेल नहीं, सेल वन इक्वल टू। सेल वन में मैं क्या डालूंगा, सेल वन में मैं डालूंगा मेरा, पहले मैं बताऊंगा कि मेरा ये एड रो में मुझे सेल डालना है, ठीक है, एड रो, ठीक है, ये जो हमारा है वेरिएबल एड रो डॉट डॉट इंसर्ट, इंसर्ट इस रो में सेल, ठीक है। इधर हमने रो डाला, अब हम सेल डालेंगे, ठीक है, इंसर्ट सेल, पहला मैं जीरो से चालू करूंगा, ठीक है, तो इंसर्ट रो सेल जीरो, फिर ऐसे ही मैं जाता रहूंगा। आप सेल 01 कुछ भी आप देख सकते हैं अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये सब तो बस नाम के, ठीक है। तो चार सेल होने चाहिए मेरे, ठीक, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, ठीक है। और ये सेल कौन से होंगे, वन टू थ्री। तो देखो भाई इधर तक हमारा काम खत्म। हमने क्या किया, पहले लिस्ट से डेटा तैयार किए, फिर मैंने टेबल बताया भाई इस टेबल में तुम्हें रो ऐड करना है, फिर मैंने ऐड रो का फंक्शन इधर घुमाया, ऐड रो का फंक्शन मैंने इंसर्ट करा दिया, रो के अंदर मुझे चार सेल चाहिए तो चार सेल मैंने डिक्लेयर कर दिए कि इंसर्ट सेल कर दिया इस रो के अंदर। अब आगे क्या करना है मुझे, अब कुछ नहीं करना है, वो जो मैंने लिस्ट जो लिया था ना, मैंने लिस्ट इधर से मैंने गेट लिया ना, गेट का क्या मतलब है, मैंने ले लिया, अब मुझे वो लिस्ट प्रिंट कर देना है, ठीक है। तो मैं बड़ी आसानी से वो कर दूंगा, कैसे करूंगा, मैं जाऊंगा ऐसे जाऊंगा सेल वन, सेल वन में मुझे डालना है सेल वन डॉट इनर, ये भी एक फंक्शन है, ठीक है, इनर HTML, ठीक है। मतलब सेल वन में मुझे कुछ वैल्यू, जब मुझे कुछ चेंज करना रहता है तो इनर HTML हम लोग यूज करते हैं, तो सेल वन इनर HTML लिस्ट वन, ठीक है, मैं उसमें लिस्ट वन डालूंगा, ठीक है, लिस्ट एक्स मतलब, ठीक है, उस जीरो से चालू होगा। जो ऐसे ही मुझे चारों सेल के लिए चार मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, चार तैयार, ठीक है। सेल टू में डाल दो ये, ठीक है, सेल थ्री में डाल दो, ठीक है, सेल फोर में डाल दो, और लिस्ट टू इधर ऐड डालूंगा मैं, थ्री डालूंगा, फोर डालूंगा। तो देखिए इधर से काम खत्म, और मैंने बोला ये लूप की तरह चलेगा, ठीक है, इधर फॉर वॉर की जरूरत नहीं पड़ता है, इधर बस इतने में काम चला लो। और अगर आपको लूप रिपीट करना है ना, तो मतलब एक बार उसने एक्सिक्यूट किया फंक्शन, जो अगली बार करेगा उसके लिए मैं डाल देता हूँ एन प्लस प्लस, एन हमारा बदलना चाहिए, रो
अब मैंने शिवम डाला, फिर राम डालूंगा तो मुझे रो चेंज करना पड़ेगा। शिवम में फर्स्ट रो था, राम में कितना होना चाहिए, सेकंड, तो इसलिए एन प्लस प्लस डाल दिया। और जो हमारा एक्स है, एक्स है जैसे एक्स इधर जीरो आ रहा है, ठीक है, जीरो इंडेक्स। अब जैसे शिवम जीरो इंडेक्स पे आ रहा है, राम वन इंडेक्स पे आ रहा है, तो मुझे एक्स भी बढ़ाना पड़ेगा, एक्स भी प्लस प्लस कर दिया। इसी के साथ हमारा ये खत्म हो गया, ये फंक्शन मैंने बिल्कुल फर्स्ट क्लास प्रिपेयर कर लिया, ठीक है। तो देखिए कितनी ब्यूटीफुली तरीके से मैंने ये प्रिपेयर कर लिया, ठीक है। अब एक बार मैं ट्राई करता हूँ चलाने का, ठीक है, इसको एक बार मैं रन करता हूँ, ठीक है। और जैसे मैं ट्राई करूँ, मैंने रन कर दिया, अब मैं अपना नाम डालूंगा, ठीक है, एज, और अब सबमिट करता हूँ, सबमिट नहीं हो रहा, 1 मिनट देखते हैं क्या दिक्कत है, देखूँ तो क्या दिक्कत है भैया। वो शुरुआत में आ जाता है थोड़ा बहुत, मैंने ऑन क्लिक पे क्या किया, बटन किया, ठीक है, ऐड, ऑन क्लिक में ऐड फंक्शन एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुआ। हाँ, और आप देख सकते हैं, अच्छा हुआ ये नहीं हुआ, इधर से ये जो इधर आप जाइए, राइट क्लिक कीजिए अपने माउस में, फिर इंस्पेक्ट पे जाइए, ठीक है, और कॉन्सल पे जाइए, इधर ही आपके एरर आएंगे, जो जो एरर होंगे जावास्क्रिप्ट के। तो क्या बोल रहा है ये, एड रो डॉट इंसर्ट सेल इज नॉट अ फंक्शन, इंसर्ट रो नॉट अ फंक्शन, लेट मी सी क्या दिक्कत है, शायद मैंने कुछ मिस्टेक कर दी, ठीक है। तो 1 मिनट, सॉरी यार, मैं भूल गया कि हमेशा जो पहला लिखते हैं उसके बाद कैपिटल होना चाहिए, ठीक है, जैसे मैंने रो में डाला था, इंसर्ट रो में, सॉरी, ठीक है। तो ये सारी चीज भी अच्छी है, आपको पहले में प्रॉब्लम आ रहा है, आप देख रहे हो, एरर समझ पा रहे हो कि दिक्कत क्या है, आपको बहुत बेनिफिशियल है। अब जरा मैं देखूं तो अब एरर हट गया, ठीक है, अब एरर हट गया। तो चलिए अब मैं एग्जीक्यूट करूँ अपना नाम शिवम मिश्रा, ये देखिए ये क्या हुआ, ये इधर ही ऐड हो गया। तो चलो देखते हैं अब इसमें दिक्कत क्या है, ठीक है। अब इसमें मैं क्या बोल गया हूँ, टेबल, ठीक है, ऐड आईडी बाय इंडेक्स, देखो मैंने टैब कहीं गलत जगह तो नहीं डाल दिया ना, हाँ ये देखिए मैंने इधर मिस्टेक कर दी, मुझे इस टेबल में आईडी डालना चाहिए था, मैंने उस टेबल में डाल दिया, ठीक है। तो ये देखिए, तो मैं डाल देता हूँ इस टेबल में, और उस टेबल में हटा दूंगा मैं, ठीक है। तो ये देखिए, अब मैं चलाऊं, अब तो 100% सही हो जाएगा, ठीक है। और अब मैं देखूं तो जरा डाल के, अरे देखो बढ़िया, देखो कितनी अच्छी से रन हो गया, ठीक है, 2 मिस्टेक के बाद करेक्ट हो गया। तो ऐसे ही आप डाल सकते हो, चेंज कर सकते हो, जितने बार आपको नाम डालने हैं उतने बार डालो, शिवम, फिर राम मिश्रा डाल दो, ठीक है, राम मिश्रा, ये भी आ गए इधर, ऐड होते रहेंगे, तो ये डायनेमिक बन गया। तो मैं होप करता हूँ कि यार ये जावास्क्रिप्ट आपको समझ आ गया, और इसके साथ मैंने एरर भी दिखाए आपको कि क्या क्या एरर आते हैं, कैसे आपको रिजॉल्व करना है। जैसे मैंने इसको छुपाया नहीं अपने वीडियो में, कट नहीं किया, मैंने आपको दिखाया भाई, मैं नर्वस नहीं हुआ कि जब मेरे पास एरर है, मैंने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखा भाई, इसमें मैंने गलती क्या की है। जब आप गलती करोगे तभी तो आपको मैं सीखोगे ना आप कुछ, ठीक है, कुछ लर्न करोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। प्रोजेक्ट ही एक चीज है जो आपको रियल एप्लीकेशन समझा सकता है, सिर्फ थियरी पढ़ने से कोई फायदा नहीं, कोर्स करने से कोई फायदा नहीं है, सिर्फ कोर्स आप पहले कर लीजिए, उसके बाद देखिए प्रोजेक्ट बना के ज्यादा आप सीखते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन उसका ही होता है। तो ये देखिए हमने कितने ब्यूटीफुल तरीके से ये बना दिया, ये कॉलेज पोर्टल पूरा कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसका HTML फाइल ले लूंगा, ठीक है, और ये जो URL मैं डाल दूंगा अपने इसमें, ठीक है, कहाँ डालना है, अब ये मुझे इसमें डालना है, न्यू स्टूडेंट में डालना है, ठीक है, वैसे ही मैं सारे सब में डाल दूंगा, इंडेक्स में भी यही डाल देता हूँ मैं, कहाँ गए गए मेरे न्यू स्टूडेंट्स, ठीक है, इधर डाल दिए मैंने, सेव कर दिए, ठीक है, और कहाँ डालना है, और तो मेरे ख्याल से सारे हो ही गए, ठीक है। तो ऐसे इधर करना है, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये था, ठीक है, न्यू स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इधर आई होप कि आपको अब आ ही गया होगा, ठीक है, अब आपको जहाँ जाना है जाइए, होम पेज में जाना है जाइए, फिर आप स्टूडेंट पे जाना है तो न्यू स्टूडेंट पे आ गए इधर, तो आप इधर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने हर चीज आपको एक्सप्लेन कर दिया, आई होप आपको जावास्क्रिप्ट भी काफी हद तक समझ आया, 50-60% भी आ गए तो बहुत बड़ी बात है, आप जब सीखेंगे आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और जो मैंने स्टेप बोला, आपको स्टेप याद होना चाहिए, मैप, माइंड मैप एक बना के रखो,
मुझे क्या करना था पहले इसमें बताइए। सबसे पहले दो टेबल बनाने थे, मैंने बना लिए। दो टेबल के बाद मुझे क्या करना था, एक सबमिट बटन में जब मैं क्लिक करूं, ऑन क्लिक, तब कुछ फंक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए। फंक्शन एग्जीक्यूट का क्या मतलब है, जावास्क्रिप्ट का यूज होना चाहिए। जावास्क्रिप्ट मैंने बना दिया। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या है, ये जो फर्स्ट नेम है लास्ट नेम है, मुझे लिस्ट तैयार होना चाहिए ना, सबके लिए अलग अलग होंगे, तो मैंने लिस्ट बना दिया। लिस्ट के बाद मैं क्या करूंगा, लिस्ट के बाद मैं क्या करूंगा, एक मुझे रो टेबल बताना है, ये जो टेबल है इसका मुझे आईडी बताना पड़ेगा उसे, गेट एलिमेंट बाय आईडी। वो पुलिस है, वो पता करता है कि इन्वेस्टिगेट करता है, हाँ ये टेबल है। उसके बाद मुझे क्या करना है, रो ऐड करना है, इंसर्ट रो मैंने डाल दिया। इंसर्ट रो के बाद मुझे क्या करना है बताइए, सेल्स डिक्लेयर करना है, ठीक है, सेल्स डिक्लेयर करना है। सेल्स डिक्लेयर से पहले मुझे क्या करना है, इनर जो भी क्या बोलते हैं, जो भी हमारी लिस्ट है उन उनसे वैल्यू कलेक्ट करना है। वैल्यू पुलिस को भेजेंगे, पुलिस कौन है हमारा, गेट एलिमेंट आईडी। वो पुलिस जाके सबसे वैल्यू लेके आएगा, वैल्यू लेके आएगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, अपने सेल डिक्लेयर करूंगा, ठीक है, इंसर्ट सेल करूंगा, और सेल के बाद उस रो में सेल करूंगा, और सेल के बाद मैं क्या करूंगा, सेल में चेंजेस करूंगा, ऐड करूंगा इनर एस्टीमेट करके, और जहां अपनी लिस्ट डाल सकूंगा, और उसके बाद मेरा पूरा न्यू स्टूडेंट पोर्टल कंप्लीट हो जाएगा। मेरा फंक्शन काम करने लगेगा, कोई भी एरर आएगा तो मैं राइट क्लिक करूंगा, इंस्पेक्ट में अगर जाऊंगा और देखूंगा कि भाई एरर क्या है, कॉन्सल में जाके एरर क्या है, अगर जब एरर नहीं रहेगा तो ये ब्लैंक रहेगा, ठीक है। तो इधर से आई होप कि आपको इस प्रोजेक्ट में बहुत ही मजा आया होगा, ठीक है, और जावास्क्रिप्ट सीख के रखिए, ठीक है, आगे काम आएगा, और आगे के प्रोजेक्ट्स में मैं जावास्क्रिप्ट का ही यूज करूंगा, ठीक है। ये फॉर बेसिक्स था, मैंने आपको एक एक कोड लिख के बताया, ठीक है, लाइव कोड, और मैंने कोई इसमें कुछ छापा नहीं, मैं कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब कॉपी पेस्ट मतलब कहीं से देख के नहीं कर रहा हूँ, ये मैं खुद से ही कर रहा हूँ, इसलिए मेरे से मिस्टेक्स भी हो रही है, ठीक है, आप समझ सकते हो, ये सच्ची में एक लाइव कोड था, ठीक है, धीरे धीरे बताया, क्योंकि मैंने भी जब देखा था, मुझे यूट्यूब में लगा था कि कोई बेसिक से बता नहीं रहा है बिल्कुल एक एक करके, तो मैंने वही बताया, इसलिए थोड़ा ज्यादा टाइम कंज्यूम किया, पर नेक्स्ट वीडियो से मैं थोड़ा फास्ट रहूंगा, आपसे उम्मीद करूंगा कि आप सबको आता होगा ये सब, ठीक है, जावास्क्रिप्ट का नॉलेज रहेगा तभी आना प्रोजेक्ट कर दें, ठीक है। और मैं जैसे बता देता हूँ कि अगर आपको जावास्क्रिप्ट यूट्यूब में पढ़ना है तो हैरी कोड विथ हैरी भैया है, हैरी भैया उनसे आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है, हम मेरे सीनियर हैं, हमारे से बड़े हैं काफी, और वो उन्होंने बहुत ही अच्छा पढ़ाया है, नोट्स दिए हैं, उधर से आप ट्यूटोरियल देख सकते हैं, उनके एक दो प्रोजेक्ट्स भी है, वो भी आप कर कीजिए, ठीक है, और साथ में एडिशनल प्रोजेक्ट्स मैं इधर डालता रहूंगा, तो इसको भी आप देखिए स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, तब आपको बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो होप आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, जो भी कमी है मेरे वीडियो में प्लीज कमेंट कर दीजिए, जिससे जिससे मैं उसे इम्प्रूव कर सकूं, ठीक है, तो ठीक है, और अच्छा लगे तो यार एक बार सब्सक्राइब कर देना, नहीं करना है मत करना, या डिसलाइक कर देना, ठीक है, अच्छा नहीं लगे, पर जो कमी है प्लीज बता देना कमेंट में, ठीक है, जिससे मैं इम्प्रूव कर सकूं। थैंक यू।